काटना है, और ये देखिए हमने इस तरह से थोड़े मोटे में स्लाइस में काटना है, थोड़े मोटे में मोटाई में काटना है, ताकि जब भी हम इसे फ्राई करें या पकाएं तो ये गले नहीं, और इसी तरह शेप इसका बना रहे इस तरह से। और काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम लौकी हमने लिया हुआ है, और पुरानी लौकी आप ना लीजिएगा वरना थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकाने में। तो अब इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेस्ट के हिसाब से नमक डालते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और इसी के साथ जाएगा 4 टेबलस्पून बेसन, और 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून तेल जाएगा इसमें, ताकि मैरिनेट अच्छे से हो सके। लौकी धोकर मैरिनेट करिएगा तो बहुत ही अच्छे से मसाला चिपकता है, वरना सूखा रहेगा अगर लौकी तो मिक्स करने में दिक्कत होती है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से मैरिनेट करना है, ताकि सभी मसाले सभी लौकी में लग जाए। ये देखें सभी लौकी में अच्छे से मसाले लग गए हैं। अब आइए चलिए गैस की तरफ चलते हैं। और ये देखें इस तरह से हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया, उसको रफली चॉप किए हैं, इसे हम लोग प्यूरी बना लेते हैं ग्राइंड करके। इस तरह से ग्राइंड करके प्यूरी अलग रख लेंगे। देखें इस तरह से एक पैन रख के उसमें हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस लौकी को हमें हल्का सा फ्राई करना है। और ये देखें जो मैरिनेट किया हुआ है हमने लौकी, अब एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। अब इसे नीचे से फ्राई होने देते हैं। देखिए नीचे से हो गया है फ्राई, अब इसको हम लोग पलट देंगे। देखिए कितना बढ़िया फ्राई हुआ है, नीचे से भी करारा फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हमें सभी लौकियों को फ्राई कर लेना है। ऑयल गरम हो चुका है और इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 1 टीस्पून जीरा, 1 टुकड़ी दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग है और 1 तेज पत्ता है, इसे डाल देते हैं। इसी के साथ डाल देंगे ये 1 बड़े साइज प्याज है जिसको हमने महीन महीन चॉप किया हुआ है। फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। इसी के साथ डाल देंगे हम लोग हरी मिर्च, 3 कटी हुई हरी मिर्च है, आप चाहें तो मोटी वाली जो मिर्च आती है जो तीखी बिल्कुल नहीं होती है उसे भी डाल सकते हैं। देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है प्याज, इस स्टेज पे आके हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ताकि प्याज के साथ इसे भी भून लें
इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और ये देखें प्याज हमारी सुनहरी हो गई है। अब इस स्टेज पे आके हम डालेंगे ये प्यूरी, जो टमाटर प्यूरी हमने बनाई थी इसको डाल देते हैं। इसी के साथ डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और इसके बाद डालेंगे एक चम्मच काश्मीरी मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और दो चम्मच छोटे चम्मच से धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से पका लेंगे मसालों को। मसालों को हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। और ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं और तेल भी सेपरेट हो गया है, छोड़ दिया है तेल मसालों को। और अब इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट और मिलाएंगे, जैसे कि ये शिमला मिर्च है छोटी हमने लिया है, इसको डाल देते हैं। एक कटा हुआ बीज निकाल कर हमने काटा है क्यूब में छोटे छोटे, और ये प्याज है इस तरह से काटना है। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसे अच्छे से पकने के लिए यानी ये सॉफ्ट हो जाए, जो भी चीजें हमने बाद में डाली हैं इसे ढककर स्लो आंच में पकाएंगे 5 मिनट। चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो गया है। और ये देखें मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। और अब इसमें हमने जो ये फ्राई की हुई लौकी रखी है, लौकी को डाल देंगे इसमें। और इसे मिक्स कर लेते हैं। हल्के हाथों से मिलाइएगा ताकि लौकी हमारी मैश ना हो और पक भी जाए और मैश भी ना हो। बस बहुत ज्यादा मैश करके नहीं पकाना है, बस सॉफ्ट करना है लौकी को। और स्लो आंच में इसे छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। देख लेते हैं 5 मिनट हो गया है, बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। ये देखें लौकी भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ग्रेवी भी अच्छी आई है, बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार है। ये बहुत मज़ेदार सब्जी बनती है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये देखें कितनी बढ़िया सब्जी लग रही है, ये देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, ये देखें बढ़िया ग्रेवी भी आई है इसके साथ। ये देखिए मसाले की स्पाइसी सूखी सब्जी लौकी की बनके तैयार है, ये बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड। और ये देखिए कितना टेम्पटिंग, कितना बढ़िया, कितनी अच्छी सब्जी दिख रही है। तो आप इस तरह बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और ये हमने अपने स्टाइल में लौकी की सब्जी बताई है, तो इस तरह से आप बनाएं और घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चे लौकी खाने के लिए बहुत परेशान करते हैं, लौकी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बच्चे भी लौकी खाना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी ये लौकी की सब्जी पसंद आती है, स्पाइसी मसालेदार सूखी सब्जी, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी, चटकारेदार लेकर आती रहूँगी।